बेगम, अफ्ताली के इंतजाम में कोई कमी बेशी नहीं रहनी चाहिए। मैंने आमों की पेटी वह मुश्किल नीचे रखते हुए आयशा से कहा। आयशा ने कहा, आप फिक्र ही ना करें, पिछली बार भी ऐसे मजे की अफ्तारी कराई थी, आज तक सब के सब तारीफें करते हैं। अफ्तारी की तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, खजूरें भी मंगवा ली हैं, बस फ्रूट काटने हैं। आप जरा मदद कर दें, मैंने छुरी ली और आयशा की मुखालिफ से बैठकर फ्रूट काटने लगा। कुछ ही देर में अफ्तारी के तमाम इंतजाम मुकम्मल हो गए और सहन में सजे डाइनिंग पर लगा दी। दोस्तों और रिश्तेदारों की आमद का सिलसिला भी शुरू हो गया। अफ्तारी का वक्त हुआ और सबने अफ्तारी की और खुश गपियां करते हुए खाना खा रहे थे। सब खाने से फारिग हुए। जजाकल्ला, बहुत मजा आया, खाना बहुत लजीज था, कहते हुए निकल रहे थे। मैं हाथ धोने बेसन पर गया तो साथ ही मेरे कान में एक बच्ची की आवाज आई, अम्मी सब लोगों ने नमाज भी पढ़ ली है और हमने अभी तक रोजा अफ्तार नहीं किया, सहरी भी पानी से की थी। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। ये आवाज पड़ोसियों की 12 साल बच्ची की थी। मैं ये जानते हुए भी ये खलाकियत के खिलाफ है, दीवार से उनके घर में झांकने पर मजबूर हो गया। देखा कि वो बच्ची अपनी माँ के सर पर खड़ी थी और उसकी माँ चारपाई पर सर झुकाए बैठी थी। मैं ये सब देखकर जैसे पत्थर का हो गया। इसकी माँ ने सर उठाया तो नजर मुझ पर पड़ी। इसकी आंखें आंसुओं से भरी थी, मुझ पर नजर पड़ते ही जबरदस्ती मुस्कुराई और चादर से आंसू पोंछते हुए कहने लगी, भाई कैसे हैं आप, ये लड़की बहुत जिद्दी है, अभी खाना खाया है और फिर जिद कर रही है। मैं ये सोच रहा था कि अफ्तारी करते वक्त जब सब बार बार खाने की तारीफें कर रहे थे तो वो सब इन्होंने भी सुना होगा, तो क्या बीती होगी इनपे। मैंने अपने आप को बड़ी मुश्किल से मुतहरिक किया और बिजली की तेजी से बाहर की तरफ लपका और बाजार की तरफ बढ़ा। वहां से हर वो चीज जो मैंने अफ्तारी में खाई थी लेकर वापस आया। इस बच्ची की बातें और बेवा के आंसू मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। मैंने आधे घंटे का सफर 10 मिनट में तय किया और आकर दरवाजे पर दस्तक दी। बच्ची ने दरवाजा खोला, मुझ पर नजर पड़ते ही मुस्कुराई, आपदीदा आंखें खुशी से चमक उठी। वो बेवा खातून ये सब देख कर बिलक बिलक के रोने लगी, जैसे इंसान का जब टूटा हो। मैं भी अपने आंसू ना रोक पाया। मैंने सामान खोला, बच्चों के साथ बैठकर उनको खाना खिलाया। जब सब खाना खा चुके तो मैंने इनसे कहा, आप आराम करो। मैं वहां से चला और मार्केट से महीने भर का राशन लिया और दोबारा इनके घर आया। जब सामान रख चुका तो मैंने सोए हुए बच्चों की तरफ एक निगाह देखा तो जैसे सुकून आ गया। जब बाहर की तरफ चलने लगा तो खातून की आवाज आई, भाई अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। इसकी दुआ सुनकर मुझे लगा जैसे मैं दुनिया और आखिरत की दौलत पाली हो। मेरे पूरे जिस्म में एक सर्द लहर सी दौड़ गई। घर पहुंचकर सजदा शुक्र अदा किया और अल्लाह ताला से माफी मांगी, अल्लाह ताला मुझे माफ फरमा जो मैं अब तक इन बातों से गाफिल था। हम अपने खाते पीते घरानों के दोस्तों और रिश्तेदारों को खानों पर मधु करके समझते हैं कि बड़ा सवाब कमा लिया, लेकिन इस बारे में कभी नहीं सोचा क्या हमारी तरफ से मुस्तकीन तक इनका हक पहुंच रहा है। जरा नहीं, पूरा सोचिए। इस वीडियो को शेयर जरूर करें, हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए।